दोस्तों, हर हिंदुस्तानी जिसको घूमने का शौक है वो जिंदगी में एक बार कश्मीर जरूर आना चाहता है। और आज हम भी आए हैं कश्मीर का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर की डल लेक में, जहां पानी पर ही घर भी है, मार्केट भी, सब्जी मंडी भी, एटीएम भी, पोस्ट ऑफिस और स्कूल भी। मतलब पूरा का पूरा एक शहर लेक पर ही बसता है। और उसी के साथ मिलता है यहाँ खाया पिया जाने वाला कश्मीर का स्वादिष्ट अलग अलग किस्म का जायका। तो आइए आज आपको कश्मीर का जायका और यहाँ का मार्केट सबकी सैर करवाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष। ये सारी चीजें देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं हूँ कश्मीर का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर में। देखो, आज मैं ना आपको ये सारा एक्सपीरियंस कराऊंगा जो मैं बचपन से सोचता था कि कभी मैं कश्मीर जाऊंगा और श्रीनगर जाके शिकारा में बैठूंगा। और ये जो है चीज मैंने तब अपने दिमाग में बना ली थी जब मैंने वो गाना देखा था, शमी कपूर का गाना शिकारा पे। तब से मेरा मन था कि मैं कभी कश्मीर जाऊं और शिकारा में बैठूं। इस लेक के बारे में ना ये बोला जाता है कि इस लेक पे ना पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं, इसको डल लेक बोला जाता है। डल लेक पे सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, यहाँ पे फ्लोटिंग स्कूल्स हैं, फ्लोटिंग मार्केट्स हैं, फ्लोटिंग सब्जी मंडी है, इवन फ्लोटिंग एटीएम्स भी हैं। और यहाँ पर दूसरी शिकारा में, जैसे कुछ शिकारा में तो लोग टूरिस्ट की तरह आते हैं जैसे मैं बैठा हूँ, और कुछ लोग शिकारा में अपना कारोबार चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपनी कहवा बेचने आएगा, कोई खाने की चीज बेचता है, कोई ज्वेलरी बेचता है, तो कोई फूल बेचता है। तो सारी चीजें ये जो हैं शिकारा पे बेची जाती हैं। तो ये सब कुछ आज हम एक्सपीरियंस करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आ गए SBI ATM, है ना, और ये मैंने अपना कार्ड निकाल लिया है, तो चलते हैं। तो दोस्तों अब अंदर चलते हैं, पैसे निकालते हैं, ठीक है। निकाल लिए पैसे जी, अब बैठते हैं वापस शिकारा में और आगे का एक्सपीरियंस आपको करवाते हैं, आइए। सर जी, कश्मीरी कहवा पिलाऊं? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। 60 वैरायटी मिक्स, आलमंड, वॉलनट, कैशनट, हनी, चाय पत्ती, रोज लीव, सीड्स, मगज, डेट्स, इलायची, दालचीनी, मुलाटी, सेबिस्तान। मेन चीज इसमें केसर। क्या बात, केसर और गुलकंद। सर और क्या क्या रखते हैं आप कहवा के अलावा? हॉट चॉकलेट, कॉफी, चाय, नमकीन चाय। मेरा इसको क्या बोलते हैं? इसको सामावार बोलते हैं। इसमें बीच में कोयला डालते हैं, उससे गर्म रहता है सर। अच्छा जी, उससे ये कॉपर का होता है सर। ओके, सामावार, हाँ, उससे अलग होता है, टेस्ट होता है अलग कहवा। ये देखिए, ये गया कहवा हमारा। इसमें सबसे एक कहवा सर, इसमें मसाला वसाला डालते हैं सर, फिल डालते हैं, आलमंड, वॉलनट, कैशनट मिक्स। ओके, क्या बात है जी। ये देखो, ये सारे रोज पेटल है सर। रोज पेटल्स, हाँ सर, आलमंड, आलमंड, और ये आगे बादाम। बहुत बढ़िया। कोई बोलता है मसाला वसाला, उसको भी डालते हैं। तो ये हनी डाल रहे हो अभी आप, है ना? क्योंकि देखो दोस्तों, इनके पास चीनी भी है, गुलकंद भी है। आप ये दो चीजें भी चाहें तो मिठास के लिए डलवा सकते हो, लेकिन मैं हनी प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने हनी इनको बोल दिया था कि हनी डालिएगा। अब ये देखो, हमारी जो है कहवा बन करके हो गई है तैयार। ये देख सकते हो आप इसकी डिटेलिंग, बहुत ही शानदार। मतलब इसके ऊपर देखो रोज पेटल्स कैसे तैर रहे हैं। ये है श्रीनगर का कहवा। आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? स्कूल जाते हो? बहुत बढ़िया। तो अभी घूम रहे हो इनके साथ? ये कौन लगते हैं आपके? मेरा छोटा कजन है सर। पर इस टाइम भाई पानी ज्यादा है ना, हाँ, इसके पास तैरना नहीं आता है। अच्छा अच्छा, इसलिए वो घर इसी में लेते हैं। यहाँ पे मैंने सुना है स्कूल भी है ना, फ्लोटिंग? हाँ, स्कूल, हाँ, वो बीच में है। बीच में है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कहवा कितने का है? 50 रुपीज सर। 50 रुपीज, राइट, 50 रुपीज। ठीक, ये लीजिए सर, पी के देखते हैं। वाह, मीठा, मतलब ज्यादा मीठा नहीं, जितना मीठा इसको होना चाहिए, हनी वाली मिठास। और इसके ऊपर आप देखो कैशू नट्स और बादाम और रोज पेटल, सारी चीजें डली हुई हैं। फुल ऑफ गुडनेस, बहुत सही यार। पहले सिप लो, जो कि बिल्कुल गरम गरम आपके गले को तरावट देगा। उसके अलावा जो ये नट्स आते हैं ना, फिर उसको थोड़ी देर चबाओ। आई लव दिस ड्रिंक यार। कश्मीरी कहवा, शिकारा, फील, व्यू, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, जहां हम अभी आए हैं, और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ना, ये हैं बोट हाउसेस। यहाँ पे आप रूम्स ले सकते हो, यहाँ रह सकते हो। ये लोगों के लिए, टूरिस्टों के लिए है कि आप होटल की जगह इनको ले सकते हो, ताकि आपको एक लेक व्यू भी मिले और एक बोट में रहने का पूरा एक्सपीरियंस मिले। इसलिए लोग इनको भी प्रेफर करते हैं और यहाँ आकर के रहते हैं। इनके जो प्राइजेस होते हैं वो 3,000 से स्टार्ट होते हैं और 10,000 या उससे भी ऊपर चले जाते हैं। और ये देखिए कितना टूरिस्ट यहाँ पे आज आया हुआ है। देखिए, एक ये शिकारा है, एक इसके पीछे है, यहाँ भी खूब सारे शिकारे आ रहे हैं। तो आज काफी अच्छा टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये है हाउस बोट, ठीक है। ये देखिए, लोग यहाँ रह भी रहे हैं, बैठे हैं और अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए,
ये देखो आप जो ये गार्डन देख रहे हो ना, ये गार्डन भी फ्लोटिंग गार्डन है। आप घास देख रहे हैं, ये भी फ्लोटिंग घास है। अगर आप इस घास को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे ना तो आपकी तरफ आ जाएगी। इस तरफ भी कितनी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस लगी हुई है, और ये पूरी मीना बाजार में ये फ्लोटिंग शॉप्स हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। शानदार यार, ये देखो दोस्तों कितना सही व्यू है यहाँ से। आप देखिए, चलते हैं देखते हैं कि डल लेक की मीना बाजार की शॉप्स में क्या क्या मिलता है और कैसी होती है। चलिए दोस्तों, देखिए अंदर से शॉप कुछ इस तरह से दिखती है। कुछ कश्मीरी टाइप्स देखते हैं। क्या देखना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल एक कश्मीरी, ये कश्मीरी सूट विद दुपट्टा है। दुपट्टा कश्मीरी वर्क के साथ में। वाह, ठीक है। ये आप लेंगे तो ये आपको पड़ेगा जस्ट 1400। ये लेंगे ये भी 1400। ओके, हैंडमेड लग रहा है और एक मशीनी वर्क। हाँ, लग रहा है 950। ये 950 का है, अभी वर्क का ये 1400 का पड़ जाएगा। इस वर्क को बनाने में तकरीबन एक से डेढ़ महीने का टाइम लगा खोल के बनने। अच्छा, अगर आप ये लेंगे आप तो 18000। 18000, इतना डिफरेंस? इतना डिफरेंस, 700 रुपए में भी काम वाली शॉल मिल जाएगी। आप शॉल देखेंगे तो आपको लाखों तक चलेगी। अच्छा, एक सबसे महंगी पश्मीना शॉल का क्या प्राइस? सबसे महंगी का तो खैर वो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है 90,000 की मिल जाएगी। 90,000 देख सकता हूँ सिर्फ देखने के लिहाज से आपको? ठीक है, इसको प्रमोट करो ऐसे अपनी। जी सर, आपका शुभ नाम? जावेद। जावेद, और आप कश्मीर से ही? श्रीनगर से। ओरिजिनल जो रियल पश्मीना? वाओ, सी रियल पश्मीना। हाँ, ओरिजिनल पश्मीना, इसको जामा बोलते हैं। जामा बोलते हैं जो इसका वर्क है। इसका वर्क देखिए यार, कितना सही वर्क है। आई मीन जो डिटेलिंग है ना वो आप देख सकते हो, बट 90,000। वाओ। तो दोस्तों मैंने अभी 1, 2, 3, 4, 5 सूट यहाँ से लिए हैं, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छे से हमें दिखाया है ना, हेल्प की, क्योंकि मैं ऐसी चीजें खरीदता नहीं हूँ अमूमन। आपने बहुत हेल्प की। तो सईद आर्ट पैलेस से हमने खरीदा है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से खरीदारी का बहुत अच्छा रहा। तो अगर आप मेरे रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छी शॉप है। नाम मैंने आपको बता दिया, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, और कभी श्रीनगर आते हैं और डल लेक में है तो यहाँ आकर खरीदारी भी कर सकते हैं। सूट्स बहुत अच्छे हैं इनके। तो फाइनली हो गई है खरीदारी, अब चलते हैं शिकारा में और आपको और भी चीज़ें जो डल लेक की हैं वो दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने अभी परचेजिंग की थी, ठीक है, और देखो इतनी दूर आया हूँ, कश्मीर आया हूँ तो यादें लेके जाना बनता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अभी जो टाइम हो रहा है ना, देखो 8 बज रहे हैं, इट्स 8 PM, ठीक है, उसके बावजूद देखो यहाँ पर अभी भी लाइट है ना, और अगर मैं राजस्थान में होता तो 7 बजे तक अंधेरा हो चुका होता। ये मैंने 2-3 दिन से नोट किया है कि अंधेरा 8 बजे के आसपास होता है। तो दोस्तों देखो ये एक शिकारा और आया है, जहाँ पर देखो ये जो इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, इनके पास हुक्के भी हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भाई से पूछा है कितने के हैं, तो कितने के हैं भाई? 9 6 5। तो दोस्तों अभी आ ही गए हैं और इन्होंने हुक्के का नाम ले ही लिया है, और ये लेक वाला फील बाद में कब हम इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आपको दिखा पाएंगे, तो हमने सोचा ले ही लेते हैं। तो ये एक नई चीज मैंने देखी, इससे पहले मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में भी नहीं देखी थी कि किसी ने शिकारा में बैठ के हुक्का पिया हो। तो ये आपके लिए भी बहुत नई चीज है और हमारे लिए भी। तो अब चलिए हुक्का लगवा लेते हैं। और ये मेरे साथ है मोहित, मैं फूड ब्लॉगर हूँ आप जानते हो, ये है ट्रैवल ब्लॉगर। तो देखो जैसे हम दोनों क्या साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ये पूरा जो हमने ट्रिप बनाया है, तो आपको फूड देखना है तो आप मेरे चैनल पे तो जा ही सकते हो, और अगर आपको हमारी गपशप, हमारी मस्ती पूरे ट्रैवल की अगर आपको देखनी है ना और पूरा रूट देखना है, तो आप इनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, और इनके चैनल का नाम है जयपुर बैकपैकर्स, पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हुक्का बनवा लेते हैं। तो दोस्तों देखो हुक्का बन रहा है हमारा, और ये मिक्स फ्लेवर का बन रहा है, इंशाल्लाह आप देखना सर क्या क्या एकदम फ्लेवर डल रहा है। देखो अभी क्या मजा आ जाएगा, मतलब ये देखो दोस्तों, ये एक मैजिक कॉइल होता है, तो इसको जलाते हैं तो ये एकदम से जल जाता है पूरा। वैसे जो हुक्का पीता है उनको पता होता है ये क्या होता है। वाह यार, ये बहुत शानदार चीज लगी मुझे। क्या ये यार कहां से मिलेगी, मुझे भी चाहिए। तो मंगवाया हमने, एक मुझे भी चाहिए, बाहर से एक ही बार में सारे छेद हो गया। ये रख दिया है कॉइल, और ये लग गया है पाइप, और अब हमको आएगा मजा लेक पर हुक्का पिएंगे। तो दोस्तों देखो भाई ने हमें ये लगा के दिया है ना हुक्का, ये बाकी चीजें भी बेचते हैं, वुडन आर्ट बेचते हैं। एक आर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पे, आप देखें इसको एक बार। ये ड्राई फ्रूट बाउल है सर, ये चकला वकला बना सकते हैं पीछे, बैक साइड रोटी चॉपिंग, सुपारी लगी है इस पे, दाल। क्या क्या बात है, क्या है, मैं अगर कहीं जाता हूँ ना और अगर मुझे कुछ यूनिक मिल जाता है और वहाँ का लोकल मिल जाता है तो मैं परचेस कर लेता हूँ। तो ये भी हमने ले लिया है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। तो ये ले लीजिए, thank you।
फिर पूछा भी था भाई से, तो उन्होंने बोला अभी ही ये अलाव हुआ है कि आप शिकारा में बैठ के हुक्का ले सकते हो। फ्लेवर्ड हुक्का है ये, बाकी तो आप जानते ही हैं। अब आसपास एक बार नजारा देखिए। मैंने शाम के वक्त शिकारा इसीलिए लिया था ताकि मैं थोड़ा तो आपको फील करवा पाऊं शाम का नजारा, और अभी ये थोड़ा सा अंधेरे का यानी रात का नजारा, बिल्कुल जो लाइट्स हैं बोट हाउस की इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और ये पानी की आवाज धीरे धीरे में धीमे, और ये हुक्के वाला जो चीज है ना, ये मतलब माहौल को चार चांद लगाने वाली बात। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लेवर बहुत सही है इसका। It's just experience. आप भी आते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए मैं इसको पब्लिसिटी नहीं करूंगा, इट्स टोटली अप टू यू। अब आप इस तरफ देखिए, एक आपको शॉप दिख रही होगी, ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। तो अब हम इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे चलते हैं और आपको खा करके बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं। आप भाई यहाँ से ही हैं? शिकारा में भी फास्ट फूड मिलता है, जैसे कि मैगी, टी, कॉफी, बिस्किट, लेज। अच्छा, तो एक मैगी का क्या प्राइस होता है? एक मैगी का प्राइस है 50 रुपीस। 50 रुपीस, तो एक मैगी बनवाइए बढ़िया, मतलब चटपटी कर गया। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में और एक बार देखते हैं इनकी मैगी मेकिंग कैसी है। तो दोस्तों देखो, मैं इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में आ गया हूँ और ये हमारी शिकारा है, और ये जो भाई है यहाँ पे, ये मैगी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। तो ये हमने अभी मैगी का एक ऑर्डर दिया था जो अभी लग रही है ना, सब मसाला मैगी बना रहे हो ना? हाँ सर, मैं मसाला मैगी। आपका नाम क्या है? मेरा इधर राजा टी स्टॉल। राजा टी स्टॉल, ये डल लेक में फेमस है। हैं? और ये कितने टाइम से लगा रहे हो आप? 18 ईयर से। 18 ईयर से, क्या बात है जी। और देखो जी, ये डल गया, ये मैगी मसाला इसमें बहुत ही बढ़िया। अपना भी मसाला डालता है, इधर कश्मीरी मिर्च डालते हैं। कश्मीरी मिर्च डालते हो? हाँ जी। और अपना मसाला कौन सा डालते हो? अच्छा, मिर्च डालते हैं। क्या बात है जी, देखो कश्मीरी मिर्च भी डल गई इसमें और इतनी जल्दी उबाल आ गया इसमें, शानदार। ये देखो यहाँ से वर्चुअल बंजारा। तो ये है, कुछ लोग शिकारा में यहाँ पर आए हैं और मैं तो यहाँ अपना मेकिंग कर रहा हूँ। ये लगा दिया, लगा दो ढका दो। तो आप यहाँ पे क्या क्या देते हो एक बार बता दो। हमारे पास इधर है पकोड़ा, मैगी, चीज पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, और चाय, कॉफी, कहवा, और मशरूम, फ्राइड मशरूम रहता है हमारे पास, और भी आइटम रहता है, लेकिन सारे मतलब पास्ता वगैरह भी आपके पास? पास्ता भी रहता है। और ये कितने बजे लगा लेते हो सुबह आप? ये तो हम सुबह 9 बजे लगाते हैं टिल टू 10 o'clock। 10 o'clock, 10 बजे तक हम यहाँ पे रहते हैं यहाँ, क्योंकि पूरा भीड़ रहता है डल लेक में, पूरा भीड़ रहता है टूरिस्टों का, इसलिए हम 10:30 तक यहाँ पे रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैगी हमारी तैयार हो चुकी है और ये डल चुकी है हमारी प्लेट में। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं किसी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में मैगी खाऊंगा, है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैगी तो मैंने ले ली है, हालांकि मुझे पकौड़े भी लेने थे, लेकिन अभी क्या समय ज्यादा हो गया आपके पास, चीजें खत्म हो गई, थोड़ा लेट हो गए, हमारा ईद का टाइम है इसलिए हमने ज्यादा बनाया नहीं, क्यों हमारा जो आदमी इधर रहता है बनाने वाला वो भी घर पे। हाँ ये बात, ईद की वजह से काफी लोग अभी है नहीं, बट अभी इन्होंने एक प्लेट में देखो जो प्याज पकौड़े हैं वो थोड़े से हमें टेस्ट करने के लिए दिए, और प्याज पकौड़ा सीरियसली मैंने अभी खाया था, बहुत टेस्टी है ना? हाँ बराबर, बहुत टेस्टी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों देखो, ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये कहीं नहीं मिल सकता। अब यहाँ से मैंने ली तो मैगी थी, है ना, 50 रुपीज की मैगी थी, बट ये जो पकोड़े थे थोड़े से, ये इन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। वो क्या है कि मेरा नेचर बहुत अच्छा है ना, प्यार से बात करता हूँ तो लोग चलिए ठीक है। देखिए ये है मसाला मैगी, हालांकि मेरे को वेजिटेबल मैगी बोलनी थी, बट ये मसाला मैगी इन्होंने बनाई है। ये देखिए, ये है गर्मा गर्म मैगी, देखो धुआं निकल रहा है मस्त, बिल्कुल लेक के बीच में, खा करके देखते हैं। इन्होंने कश्मीरी मिर्च डाली थी ना, हालांकि कश्मीरी मिर्च ज्यादा तीखी होती नहीं है, लेकिन इसमें तीखापन ज्यादा मुझे महसूस, बट जैसी मैगी होती है मसाला मैगी में कुछ ज्यादा फ्लेवर्स तो होते नहीं है, बट ओवरऑल जो फील है ना उसकी वजह से ये बहुत अच्छी लगी। और देखो ये जो पकौड़े इन्होंने दिए थे ना, मैंने ऊपर खाए थे, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्प है, आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी है, बहुत सही पकौड़े, बहुत सही है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, फ्लोटिंग वाले पे अगर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में आप जाओ ना, इनके पकोड़े जरूर खाना, मैगी चाहे खाओ चाहे ना खाओ, मैगी ठीक ठाक है, पकोड़े बहुत। गुड इवनिंग, ग्रेट, आप बताएं। अच्छा नगीने, हीरे, मोती, क्या बात है। ये देखो जी, ये है एक ब्रेसलेट, ये अंगूठी भी है, पेंडेंट भी है, ये देखो, और इयररिंग भी है, इयररिंग भी है, क्या बात है। ये है कॉकटेल रिंग, सी बोथ कलर्स, टाइटैनिक रिंग, रोज इयररिंग, दिस रिंग, एमेथिस्ट, सी द डिजाइन, मिक्स स्टोन्स, ऑल स्टोन्स, see the nili, yes, and this is called a green and one. How much this is for? same price for 2500. This is oxidized, three charms. Iska kitna? This for 300 rupees. Salman bhai ka bracelet. Ye kitne ka hai? 200 rupees. Achha, kabhi ek aisa hua ki aap kuch dikha rahe hain customer ko, pani mein gir gaya, bahut bar gaya, bahut bar gaya, us kiska nuksan? Nuksan to dekho bhai,
आदमी बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है 500 जाता है। बिल्कुल, तो वो तो लक में होता है, उसमें कोई अफसोस का बात है तो ऐसा ही मत। तो आप एक काम करो, ये पूरा सेट मेरे को दे दो और आप सोचो पानी में गिर गया। What's your name, sir? आशीष। Very clear वाला है। ये वाला सेट खरीद रहा हूँ। नीनी। Yes। ये देखिए दोस्तों, ये एक और शिकारा हमारे पास आया है और आप क्या बेच रहे हैं भाईजान? चिकन टिक्का, टिक्का पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, मटन बॉल, चिकन कबाब। अच्छा, तो हाफ हमें दे दीजिए क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ खाया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बारबेक्यू हो रहा है बिल्कुल लेक के बीचों बीच। ये देखिए, ये डल लेक है और यहाँ पर ये देखिए ये भाई बना रहे हैं। देखो ये रात का समय है इसलिए थोड़ा सा इनके पास चीजें खत्म हो गई है। और ये देखो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पनीर है और मशरूम है ना। ये देखिए, ये पनीर है और ये मशरूम है। बढ़िया। तो इस देग में क्या है? ये मटन बॉल है। अच्छा, ये तो रिश्ता है। रिश्ता, हाँ हम जानते हैं सब कुछ। ये देखिए दोस्तों, ये है रिश्ता। ये देखो दोस्तों, फायर ऑन बॉट। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ये क्या है? प्याज चटनी। प्याज की चटनी, हाँ। क्या बात है दोस्तों, तो ये प्याज की चटनी, अखरोट की चटनी। ये कौन सी चटनी? अखरोट की चटनी है। अखरोट की, हाँ। ये दो सीख हमने ली है, 200 रुपीज की है। ये फाइनली अब हमारे शिकारा पर आ गई है, चिकन टिक्का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। प्याज वाली को एक चिकन टिक्का के साथ खा करके देखते हैं। ये देखिए, है ना मजा, लेक के बीचों बीच। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्मोकी जूसी अखरोट की चटनी में डिप करते हैं इसको। ये देखिए, अखरोट का तो पता नहीं लेकिन मुझे कुकम्बर का फील, वो टेस्ट आ रहा है इसमें, और दही का बेस है इस चटनी में। बहुत सही। ये जो डल लेक है ना, यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स हैं, 50,000 शिकारा चलाने वाले और लोकल लोग इस लेक पर ही रहते हैं। इनका रोजगार भी शिकारा से ही चलता है। जैसे हम जैसे टूरिस्ट आते हैं, शिकारा में बैठते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे इनकी कमाई होती है। तो हमें जो शिकारा वाले मिले हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप कभी श्रीनगर आते तो आप डायरेक्टली भी इनको बुक कर सकते हैं। मैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इनका नंबर भी। और इस शिकारा का जो मेरा कॉस्ट लगा है, विच इज 3,000 रुपीज, जिसमें इन्होंने हर एक जगह दल लेक की वो सारी हमें दिखाई। आई थिंक आप सबको एक बार कश्मीर जरूर आना चाहिए और कश्मीर के इस दिल में यानी श्रीनगर में भी एक बार जरूर आकर के ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको शिकारा का पूरा एक्सपीरियंस दूं, और ये था पूरा एक्सपीरियंस शिकारा का। डल लेक की इस रोड पे काफी सारे होटल्स हैं और उनमें से किसी एक होटल में हम भी हैं। और अगर आप डल लेक में बोट हाउस में अगर रहना चाहते हैं तो इस तरीके की बोट हाउसेस भी होती हैं, आप यहाँ पे भी रह सकते हो। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस शिकारा का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो कॉमेंट में लिख के बताना, और ये भी लिख के बताना कि आप कब जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके और नई जगह के साथ। टिल देन बी हैप्पी।